हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी मैं खड़ा हूँ इस पेट्रोल पंप के सामने और जो आप फिलहाल धूप देख रहे हो इतनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और सामने मेरे जो देख रहे हो गाड़ी अभी वाइट जो है पोलर वाइट कलर, देख के आप पहचान गए होंगे कि कौन सी गाड़ी है और ये कौन सी गाड़ी थी उस वक्त जो हुआ करती थी। और अपने सेगमेंट में उस टाइम EX के साथ, मतलब बेस वेरिएंट के साथ 1.4 लीटर और 1.6 लीटर ऐसे दो इंजन शॉप साथ आया करते थे, एक टर्बो वाला, एक नॉन टर्बो वाला पेट्रोल और एक सिंगल डीजल वाला इंजन आया करता था। ये जो है अभी बता दो, ह्यूंडई का लोगो पहले देख लो, आप देख रहे हो बहुत ही रेयर गाड़ी जो भी आपको सेकंड हैंड भी नहीं मिलेगी। आपको सेकंड हैंड लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ऑफर डालने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भाई साहब देख रहे हो, ये ह्यूंडई की क्रेटा जो वेरिएंट है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैनुअल जो है वो मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट के बीच वाला वेरिएंट SX उस टाइम आता था। 1.6 लीटर मेरा फेवरेट सबसे पसंदीदा इंजन जो इसमें प्लेस था, जो 1.6 CRDI रन में जो है वो CRDI टेक्नोलॉजी पे रन करता था। लेकिन आमतौर पर जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये इंजन डिसकंटिन्यू होते गया, आगे जो तो है वो सेकेंड जनरेशन आता गया, फेसलिफ्ट आता गया। जो सामने मेरे फिलहाल देख रहे हो गाड़ी ह्यूंडई क्रेटा 2015 एडिशन है, मतलब गेस कर सकते हो 7-6 साल बीत चुके हैं गाड़ी को। लेकिन डीजल इंजन के साथ आपको जो है वो 151 BHP 210 न्यूटन मीटर का ये वाला पर्टिकुलर इंजन जो है वो अंडर जो है वो पीक टॉर्क छोड़ता था। डीजल इंजन की बात होती है क्योंकि टॉर्किश इंजन था और आज की अगर रेट आप बात करते हो तो अराउंड जो है वो 140 BHP का अंदर छोड़ लेती है, लेकिन जो है वो 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये वाला CRDI इंजन जो अभी 1.5 लीटर बेस्ड है वो इंजन रन करता है, वो इंजन यूज्ड है। लेकिन ये जो गाड़ी देख रहे हो मैं बता रहा हूँ ह्यूंडई की क्रेटा, बहुत ही ज़्यादा रेयर क्योंकि इसको जो है वो सेकंड हैंड मार्केट में बहुत ऑप्शन है, वो सेकंड हैंड वैल्यू भी बहुत है। उस टाइम जो है वो नॉर्मली अलॉय व्हील के साथ आती नहीं थी, जो नॉर्मली आपको जो है वो रिम मिलते थे। वन टायर प्रोफाइल की बात करते तो ब्रिजस्टोन के उस टाइम कंपनी फिटेड भी आते थे, हालांकि जो ओनर है उन्होंने भी ब्रिजस्टोन के डाले हुए 205/65 की टायर प्रोफाइल सबसे फेमस थी। और ये वाला पर्टिकुलर इंजन भाई सबसे मुझे अट्रैक्ट कर देता था क्योंकि 1600 क्यूबिक कैपेसिटी वाला इंजन, उसके साथ साथ 151 BHP और 210 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क आराम के साथ जो इंजन वाला छोड़ता था। यहाँ पे सामने ह्यूंडई का लोगो देख सकते हो और ये जो है रेंट के लिए जगह दे दी गई है। यहाँ पे हैलोजन बल्ब की सेटअप आते थे, मतलब उस टाइम इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं थी, लेकिन भाई अपने सेगमेंट में जो है वो किंग हुआ करती थी ये कॉम्पैक्ट SUV। जैसे कि पीछे लेके चलता हो, यहाँ पे क्रेटा का आपको लोगो देखने को मिलता है, यहाँ पे ह्यूंडई आपको जहाँ पे जो है वो लोगो देखने को मिलता है आपको, CRDI की बेजिंग है। और पीछे अगर बात करते हो तो आपको जो है शार्क फिन एंटीना सिंगल देखने को मिलता है, दो रूफ रेलिंग मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस गाड़ी में ये देख लो, CRDI, लेकिन 1.6 नहीं लिखा था उस टाइम, लेकिन पहला वाला वेरिएंट आया था उसके बाद जो है वो ड्यूअल टोन आया था, इससे पहले 1.6 लिखा करते थे। यहाँ पे नॉर्मल से कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते, यहाँ पे जो है और भी हम आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ इस तरह से कुछ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ ये वाली क्रेटा आती थी और सेकंड हैंड मार्केट में 1.6 ढूंढने भी जाओ अभी भी नहीं मिलती क्योंकि पेट्रोल की जो है वो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते थे। 110 मिलीमीटर के ऊपर आपको जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता था। और अगर मैं बात करूँ पावर और स्पेक्स की तो 151 BHP 4,500-5,000 RPM में और 210 मिलीमीटर का पिक टॉक यहाँ पे 3,500-4,000 RPM में आपको गाड़ी छोड़ दी थी। अगर बात करता हूँ साइज़ की तो कॉम्पैक्ट यहाँ पे SUV में आपको दिखाई पड़ती है। जैसे कि जैसे आपको टेल लाइट में आपको लेके चलता तो क्रेटा ह्यूंडई का लोगो आपको देखने को मिलता है, CRDI यहाँ पे बेस्ड है। और यहाँ पे पीछे अगर लेके चलता हूँ तो 120 मिलीमीटर के ऊपर आपको खींच दी गई है। ये बात हुई क्रेटा की, यहाँ पे कॉम्पैक्ट की, मतलब कॉम्पैक्ट शेप में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। और ये वाला पर्टिकुलर इंजन मैं बता दूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये देख लो, ये जो 6,000 RPM तक जो है मार्किंग देख आपको, ये डीजल इंजन की मार्किंग CRDI में रन था ये वाला पर्टिकुलर इंजन, 6,000 तक मार्किंग, 220 तक आपको मार्किंग दी थी। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आते थे यहाँ पे, जो रिवर्स एंगेज करने गियर नॉब आता था और ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन था। मतलब ये वाला वेरिएंट देख रहे हो तो उस टाइम SX था और SX में भी आपको ऐसे ही डिस्प्ले आपको देखने को मिलता था। EX नहीं आया था पहले, ई नहीं आया था, EX आया था, SX आया था, SX ऑप्शनल आया था, उसमें जो है वो डार्क एडिशन आया था, अभी जो आया है वो जो सेकंड फेसलिफ्ट इसका आया था वो, और वो डिसकंटिन्यू करके उन्होंने जो है वो क्रेटा ही बंद कर दिया और नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा दिखा दी। यहाँ पे ऐसे डैशबोर्ड था और मेरा सबसे फेवरेट ये वाला इंटीरियर था यार। मतलब अभी वाली क्रेटा से बात करते तो हार्ड प्लास्टिक अच्छा खासा देखने को मिलता है, जो है वो बिल्ड क्वालिटी और जो है वो आपको विजिबिलिटी भी ठीक ठाक मिलती है। हालांकि अभी वाली क्रेटा की थोड़ी उठा दी, यहाँ पे 220 की मार्किंग आपको दिखाई पड़ती है। ये जो है वो एयर AC विंड्स आपको दिखाई पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट के पूरे आपको डिस्प्ले मिलते हैं। यहाँ पे क्लॉक मिलता था उस टाइम, मतलब CD प्लेयर वगैरह का ज़माना था तो CD प्लेयर था ही, मीडिया के कंट्रोल्स फोल्डर वगैरह यहाँ पे क्लिक कर दो, दोनों एंगेज नहीं है, यहाँ पे रिसेट ट्रिप वगैरह कर सकते हो, लेकिन क्रूज कंट्रोल यहाँ पे टॉप एंड में ही मिलता था, यहाँ पे ऑटोमेटिक ORVM वगैरह के कंट्रोल नहीं मिलते थे। ये जो है विजिबिलिटी के लिए अच्छी खासी गाड़ी थी। यहाँ पे ऑन ऑफ का हैलोजन सेटअप आपको देखने मिलता था, सनग्लास एक होल्डर दिखाई पड़ता था, यहाँ पे सनवाइजर मिलता था और अच्छी खासी कुछ स्पेस वगैरह रख सकते थे ठीक ठाक, आपको सनवाइजर
मिल जाता था, यहाँ पे कोई यहाँ पे लाइट नहीं आती थी फिलहाल, तो यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ह्यूंडई का लोगो आपको दिखा मिलता था और पोजिशनिंग काफ़ी अच्छी थी, बढ़िया थी, लेकिन सीट मुझे अभी वाले क्रेटा की अच्छी लगती, इसकी इतनी खास नहीं लगी। जैसे मैं बाहर उतरता तो बाहर उतरने के लिए भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन कॉम्पैक्ट एसयूवी लगती भी नहीं है क्योंकि अभी वाली क्रेटा थोड़ी उठा दी, ऊंची कर दी। यहाँ पे लॉक अनलॉक के साथ बटन आपको देखने को मिलते हैं और जो मिरर के आपको लेफ्ट राइट करने के लिए बटन मिलते हैं, चारों के चारों पावर विंडो के कंट्रोल वगैरह आपको मिल जाते हैं और इस तरह से कुछ है मिरर के बटन मिल जाते हैं। पीछे अगेन मैं लेके चलता हूँ इस तरह से, तो कि जिस तरह से आपको डिज़ाइन मिलता है यहाँ पे अंदर 6 फीट वाला बंदा आराम के साथ बैठ सकता है। कॉम्पैक्ट है तो आपको हेडरेस्ट में कोई भी दिक्कत नहीं। ग्रैब हैंडल अगेन आपको चारों के चारों आपको दिखाई पड़ता है और इस तरह से पीछे से आपको डैशबोर्ड दिखाई पड़ता है अच्छा खासा गियर नॉब के साथ। एरियर रेसिवेंट्स मिल जाते हैं दोनों के दोनों कंट्रोल्स करने के लिए और यहाँ पे आर्मरेस्ट एक मशीन है क्योंकि ये वाला वेरियंट S6 है। यहाँ पे उस टाइम आमरेस नहीं हुआ करता था, कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन पार्सल ट्रे भी नहीं है, वो निकाला गया है, लेकिन पार्सल ट्रे के आपको निशान दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे बूट कैरिंग कैपेसिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, 210 लीटर का फ्यू बूट कैरिंग कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्रेटा बड़ा बड़ा सा नाम लिखा है, हैलोजन की प्लेसमेंट है, LED डे टाइम रनिंग लाइट मिसिंग है गाड़ी में, ह्यूंडई का लोगो देखने को मिल जाता है। डिफॉगर नहीं है भाई, डिफॉगर एक खास चीज़ सबसे मुझे सताती है गाड़ी में, होनी चाहिए थी उस वक्त, क्योंकि इस वाले की जो अगर कीमत की उस टाइम के हिसाब से बात करते हो तो 13,80,000 रुपये ऑन रोड कीमत आती थी। आज के रेट में बीच सेकंड टॉप वाला उठाने जाते हो तो 14 लाख तक चला गया है। बेस वेरिएंट भी क्रेटा का 13 लाख तक चला गया है। यहाँ पे ह्यूंडई आपको बड़ा बड़ा सा लिखा है, इस तरह से कुछ प्लेसमेंट है और ये जो है वो टिल्ड कर सकते हो, यहाँ पे टेलीस्कोप नहीं कर सकते, यहाँ पे इसका नॉब आता है फिलहाल। तो इस तरह हैंड ब्रेक वगैरह पोजिशनिंग, सीट पोजिशनिंग, कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिलती है ड्राइवर साइड की। यहाँ पे इस तरह से कुछ डिज़ाइन आपको मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो तो ठीक ठाक है और इस तरह की अगर डोर की बात करते हो तो अच्छी खासी भारी वर्क मिल जाती है डोर ड्राइवर साइड। अब ये वाला वेरिएंट देखने का मेरा मकसद क्यों था, क्योंकि ये वाला इंजन काफ़ी रेयर है और कम मिलता है। अगर सेकंड हैंड भाइयों कभी मिल रहा हो तो आग बंद कर लीजिएगा, क्योंकि 1.6 लीटर 1600 cc इंजन मिलता था CRDI के साथ रन, और उसके बाद आपको जो है वो 151 bhp मिलते थे और अभी वाली क्रेटा भी उतने 147 अराउंड जनरेट कर लेती है टर्बो वाली वो भी, और ये सिंगल टर्बो वाली डीजल इंजन आपको दिखाई पड़ता है CRDI में बेस्ट कॉमन डायरेक्ट इंजेक्शन, लेकिन 1.6 लीटर आपको इंजन एक तो मिलता था और काफ़ी रेयर गाड़ी बची है क्योंकि ये वाला इंजन ही डिसकंटिन्यू कर दिया, वो वरना वाला आता था पुराने वाले वो। और यहाँ पे 47 लीटर का जो है आपको टैंक डीजल टैंक देखने को मिल जाता है और 215 की टायर प्रोफाइल आपको मिल जाती है ब्रिजस्टोन की, और इस तरह से गाड़ी है। कैसे लगी मुझे ये क्रेटा कमेंट करके बताना, एक यादों में थी इसलिए मैंने जो है ब्लॉग में डाल दी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ और ऐसे इंजन जो बंद हुए हैं स्पेशली गाड़ियों के, शेवरलेट हो या फिर कोई फोर्ड वोर्ड हो, तो काफ़ी कम देखने को मिलता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।